हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा प्रोग्राम वीडियो बनाने का किसी और का था, लेकिन मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आ गया कि उसके ना रिश्तेदार को ब्लड चाहिए और वो भी ओ पॉजिटिव। मेरा ओ पॉजिटिव था तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है मैं दे देता हूँ। मैं कहा उस काम से ज़्यादा ज़रूरी ये काम है, लेकिन इसमें मैंने कहा चलो एक व्लॉग भी बना लेता हूँ, लोगों को बताऊँ कि ब्लड देने से कुछ नहीं होता। हमारे अक्सर लोग डरते हैं कि ब्लड दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा हमें। ब्लड देने से कुछ नहीं होता। आज मैं वो आपको सारा प्रोसेस दिखाता हूँ कि ब्लड देते हैं, कैसे देते हैं और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। मैं जा रहा हूँ ब्लड देने, तो वहाँ जाके मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगा। कुछ भी नहीं होता ब्लड देने से, बल्कि आपकी सेहत और अच्छी होती है। सिर्फ कुछ एहतियाती तदाबीर है जो ब्लड देने के बाद आपको करनी है थोड़ी देर के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी व्यूअर्स, अब ब्लड सैंपल होने लगा है। इस सैंपल का ये फायदा है कि इसमें ना टेस्ट चेक होगा, मेरा हेपेटाइटिस बी सी, एचआईवी एड्स, और उसके बाद इसको क्रॉस मैच करेंगे। ये है प्रोसेस एक घंटे का, लेकिन इसका ये फायदा है कि इस सैंपल से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, खुदा ना खास्ता। ये जो मैंने बताई है, हम आम रूटीन में चलते रहते हैं, टेस्ट नहीं करवाते। इसमें एक दो फायदे हैं, एक तो नेकी होगी, नंबर दो आपकी ब्लड टेस्ट होगी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जब हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको ब्लड देता हूँ, दिखाऊंगा कि कितनी देर लगती है और ब्लड देने के बाद आपको क्या एहतियात करनी है। जी बिल्कुल, अब मैं बेड पे लेट गया, ब्लड देने लगा हूँ। वेन इन्होंने ढूंढ ली है, इसमें सबसे ज्यादा अंगूठा अंदर और इतना मुट्ठी बाहर। अब ये मुझे लीड लगाएंगे सुई, उसके बाद वो जो बोतल उसमें ब्लड जाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट लगेंगे ब्लड देने में। ये एक बोतल ब्लड है, हमारे जिसम में अप्रोक्सीमेटली 3 बोतलें होती हैं। एक निकल जाएगी तो ये कुछ दिनों में भर जाएगी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब ये सुई लग रही है और ये लग गई। अब मैं मुट्ठी खोल दूंगा, अब आता आता मुट्ठी को मैं प्रेस और करता रहूंगा, उससे जल्दी ब्लड निकलेगा। ठीक है, अभी देखिए साथ नीचे बोतल है वो भरनी शुरू हो गई है। इसमें ये कि अभी मैं कह रहा हूँ इससे पंपिंग हो रही है, पंपिंग होने से ब्लड तेजी से निकलता है और ये बोतल जल्दी भर जाएगी। अब उसके बाद ये ब्लड देने के बाद हम आमतौर पे कुछ लोग गलती करते हैं कि फौरन उठ जाते हैं। ब्लड देने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट मुझे ऐसे लेटे रहना है, फिर मैं उठ के थोड़ी देर बैठूंगा, उसके बाद उठना। और उठने के बाद सबसे बेहतरीन है कि आप सेब का जूस पिए, उससे आपकी ताकत फौरन बहाल हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी बॉडी पे, कोई वीकनेस नहीं आती, कुछ नहीं होता। मैं कई दफा डोनेट कर चुका हूँ। इसमें आप हम लोग डरते हैं कि ब्लड देने से पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे जिस्म में, लेकिन ये आपके सामने मैं भर रहा हूँ, ये थोड़ी देर में भर जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको मेरे जिस्म पे। बल्कि ये ब्लड निकलेगा तो फ्रेश ब्लड बनेगा, उससे अगर मेरी सेहत जो थी वो पहले से ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये आपके सामने है, वीडियो में बंद नहीं करा रहा ताकि आपको पता चले कि कितनी देर में बोतल भर जाती है। मतलब आपको पहले ही बता दें, इसमें एक फायदा ये है कि आपके टेस्ट हो जाते हैं। हम आमतौर पर टेस्ट नहीं कराते, हमें नहीं पता होता कि हमारे जिस्म में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, हम दौड़ते भागते रहते हैं, इसमें आपके टेस्ट भी हो जाते हैं। अगर कोई आपसे ब्लड मांगे तो ब्लड जरूर दे, क्योंकि वो पता नहीं कितनी मुश्किल में है बेचारा। इसी तरह जिंदगी में तुझे अगर खुदा ना खासा आपको जरूरत पड़ती है, आपको कोई ना कहीं से ना मिल रहा हो तो कितनी परेशानी होती है। आपको पता है इस बंदे का ब्लड है लेकिन मुझे नहीं दे रहा, ब्लड जरूर डोनेट कर लाजमी। अभी आपके सामने है टाइमिंग, आपके सामने आप देखना, जब मैंने
मुझे सुई लगी है, ब्लड शुरू हुआ है और ये कितनी देर में बोतल भरी है? दादा दादा मेरे को दो मिनट नहीं लगे बोतल भरनी है। अब मैं बाद फोन करूंगा, थोड़ी देर ऐसे लेटे रहूंगा, दो मिनट बाद उठ के 10 मिनट मुझे भाई बता रहे थोड़ी गलती है, 10 मिनट मुझे ऐसे लेटे रहना ताकि मेरा बॉडी लेवल जो ब्लड है वो एक दफा सारा लेवल पे आ जाए जो बाकी है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जब भी आपको कोई ब्लड मांगे तो ब्लड जरूर डोनेट करें, इनकार ना करें, जिंदगी बचाएं जितनी आप बचा सकते हैं। शुक्रिया।